हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और मैं आज आपके लिए एक और कोडिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये कोडिंग प्रॉब्लम फेसबुक और गूगल के इंटरव्यू में पास्ट में पूछी जा चुकी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ सिर्फ 5 लाइन ऑफ कोड में पाइथन लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कोडिंग प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। बेसिकली आपको एक एरे या लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में हर एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर डे का स्टॉक प्राइस है, किसी भी स्टॉक का उस दिन का प्राइस है। आपको बेसिकली ये बताना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें दिया गया है प्राइसेज, लेट्स से फर्स्ट डे पे उस स्टॉक का प्राइस था 7, नेक्स्ट डे उसका 1 था, उसके बाद 5 था, देन 3 था, देन 6 था, देन 4 था। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इसका मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है 7। वो कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप सेकंड डे पे बाय कर लीजिए, यानी कि 1 के प्राइस पे बाय कर लीजिए और 5 के प्राइस पे सेल कर लीजिए, तो दैट मीन्स कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा सेल माइनस बाय इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही फिर आप जो है फोर्थ डे पे बाय कर लीजिए, दैट मीन्स 3 के प्राइस पे बाय कर लीजिए और 6 के प्राइस पे बेच दीजिए, तो आपको 3 का प्रॉफिट फिर हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपको 7। ऐसे ही एक और दूसरा एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें जो है आपका टोटल प्रॉफिट 4 बनता है। वो कैसे, सेम ही लॉजिक है। आपने जैसे मान लीजिए 1 के प्राइस पे बाय किया, 2 के प्राइस पे बेच दिया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही फिर 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, एंड 5 - 4 इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसमें ऐसे भी दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट डे बाय कीजिए और लास्ट डे सेल कर दीजिए, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, तो आपका टोटल प्रॉफिट 4 बन जाएगा। इसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आफ्टर डे 1 प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, सो यू कैन नॉट मेक एनी प्रॉफिट। तो आपकी ये प्रॉब्लम है। और कॉन्स्टेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्स्टेंट हमेशा बहुत जरूरी होते हैं। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली ये है कि आपकी जो लिस्ट हो सकती है उसके अंदर मिनिमम 1 एलिमेंट होगा और वो इस साइज तक जा सकती है, 3 × 10^4, यानी 3 × 10^4। और हर प्राइस, मतलब कि हर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 10^4 तक जा सकती है, इतनी बिग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाइथन का कोड का यूज करने वाला हूँ। मैं आपको पहले अपनी अप्रोच बता देता हूँ। अप्रोच बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप लेट से फर्स्ट इंडेक्स से शुरू कीजिए ट्रेवर्स करना, और आप ये देखिए कि क्या इससे पीछे वाले दिन पे मेरा प्राइस कम था। अगर कम था तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट मींस कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही आप करते जाइए और टिल द लास्ट आप जो है जहां पे भी प्रीवियस डे प्राइस कम होगा आप वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और हर आइट्रेशन पे आप एक वेरिएबल ले लेंगे और प्रॉफिट को सम करते जाएंगे, और एंड में टोटल प्रॉफिट आप रिटर्न कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, पढ़ने में और देखने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, बट अगर आप इसको आराम से बैठ के समझेंगे और करेंगे तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा, मैंने एक प्रॉफिट वेरिएबल ले लिया, प्रॉफिट 0। उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया आई 0, उसको भी मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। नहीं सॉरी, ये 0 से नहीं, ये 1 से इनिशियलाइज होगा क्योंकि मुझे प्रीवियस डे का प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैं 1 इंडेक्स से शुरू करूंगा ताकि मैं 0 इंडेक्स को भी चेक कर पाऊं। तो मुझे क्या करना है, व्हाइल जब तक कि मेरा आई जो है लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ माय प्राइसेस लिस्ट, तो ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक मैं पूरे उसको आइटरेट नहीं कर लेता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इफ माय प्राइसेस आई, दैट मींस कि मेरा करंट डे पे प्राइस, अगर मेरा प्राइसेस लास्ट डे, दैट मींस कि एक पहले वाले दिन अगर मेरा प्राइस उससे ज्यादा है, आज का प्राइस मेरा कल पीछे वाले दिन से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल करूंगा, मैं जो है प्रॉफिट में
इनका डिफरेंस ऐड कर दूंगा, दैट मींस कि मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा प्राइसेज आई माइनस प्राइसेज आई माइनस वन करके बेसिकली ऐसे, ठीक है। सो ये मेरा प्राइसेज आई मेरा आज का प्राइस है, ये प्राइसेज आई माइनस वन एक दिन पहले का प्राइस है, तो बेसिकली ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा और मतलब इस करंट आइट्रेशन में। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट जो मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है इस मेथड के लिए बेसिकली, उसमें मैं ऐड करता जा रहा हूँ हर आइट्रेशन में, फिर बाद में मैं इसको प्रॉफिट को रिटर्न कर दूंगा। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी आइट्रेशन जो है हर बार एक से बढ़ती रहे और लास्ट में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि रिटर्न प्रॉफिट, बस हो गया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, और अगर मैं अभी इसको चला के दिखाता हूं आपको, तो ये टेस्ट इनपुट है और ये दिस इज माय आंसर और ये एक्सपेक्टेड आंसर था। सो जो एक सैंपल टेस्ट केस दिया था वो चल गया, अब मैं अब इस प्रॉब्लम को सबमिट करता हूं, तो लेट्स सी अगर कोई टेस्ट केस फेल तो नहीं हो रहा है। जी नहीं, ये बिल्कुल सही चल रहा है, ये सॉल्यूशन बिल्कुल कड़क है, बिल्कुल मजेदार है, 5 लाइन में हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन कोडिंग प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।